शौर्य सम्मान में पीएम मोदी ने की रक्षा मंत्री की तारीफ, बोले पीएम जैसे सेना बोलती नहीं पराक्रम दिखाती है वैसे ही रक्षा मंत्री भी नहीं बोलते। कल से गोवा में शुरू होगा ब्रिक्स समिट, रूस के साथ 39,000 करोड़ के रक्षा सौदों पर भी होंगे दस्तखत, मिसाइल टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर और सबमरीन खरीदेगा भारत। इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में सरकार, ब्रिक्स सम्मेलन में रूस और चीन के बीच, चीन समेत कई देशों को दिए जा सकते हैं सीमा पर आतंकवाद के सबूत। इंफोसिस के दूसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर, कंसोलिडेटेड मुनाफा 5% और आय 3% बढ़ी, गाइडेंस के मोर्चे पर निराशा, इंफोसिस ने डॉलर रुपए दोनों गाइडेंस को घटाया। सीमित दायरे में हुआ शेयर बाजार में कारोबार, सेंसेक्स 30 और निफ्टी 10 अंक चढ़कर बंद, तेल गैस कैपिटल गुड्स इंफ्रा रियल्टी शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। रिलायंस कम्युनिकेशन ने टावर कारोबार बेचा, ब्रुकफील्ड के साथ किया करार, डील के जरिए रिलायंस कम्युनिकेशन को मिलेंगे 11,000 करोड़ रकम का इस्तेमाल, कर्ज भुगतान में करेगी आरकॉम। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद से घबराया हिंदुस्तान यूनिलीवर, पेरेंट कंपनी यूनिलीवर पीएलसी ने जारी की चेतावनी, कारोबार में मंदी का सताया डर। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी और परिवार में कलह से फिर किया इनकार, कहा अगले साल चुनाव जीतने पर विधायक ही तय करेंगे अगला सीएम। बैठक होगी निर्व्यवहार